السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

इल गैब से मुतालिक तफसील के साथ गैब की तारीफ़ उसकी किस्में और इम गैब के सबूत में क़र पाक की चंद आयात करीमा उनकी तफासिर उनके मानी उनके मफाहम उनकी तश्री ये बयान हुई आज भी चंद आयात करीमा बयान की जाएंगी अल्लाह तबारक व ताली इरशाद फरमाता है वमाक़ानियतलकुमी वाल यज तबी मसुल ही मैशा जिसका तर्जमा ये है कि और अल्लाह की शान ये नहीं है कि ए आम लोगो तुमको ग़ैब का इल्म दे अल्लाह की ये शान नहीं है ए आम लोगों कि तुमको वो ग़ैब का इल्म दे हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहे अपने रसूलों में से जिसको चाहता है जितना चाहता है ग़ैब का इल्म आता फरमाता है क़ुरान पाक की ईसायत की तफसीर में तफसीर बैजावी में ईसायत के मातहत है कि अल्लाह तबारक व त तुम में से किसी को इल्म गैब नहीं देने का यानी अल्लाह की शान ये नहीं है कि तुम में से किसी को गैब दे के मुतला करे उस कुफर ईमान पर जो कि दिलों में होता है अल्लाह की यह शान नहीं है लेकिन अल्लाह तबारक तआला अपनी पैगंबरी के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है बस उसकी तरफ़ वही फरमाता है और बाज बायूब की उनको ख़बर देता है या उनके लिए ऐसे दलाइल क़ायम फरमाता है जो ग़ैब पर रहबरी करे ग़ैब पर मुतला फरमाता है या ग़ैब की जानब रहबरी फरमाता है अल्लाह तबारक वाली जिसे चुन लेता है जिसका इंतब फरमा लेता है आम लोगों को वो ग़ैब नहीं आता होता वो ग़ैब अता नहीं होता तो इससे ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई कि जैसा कि इन दयाबना के जो है वो गुरु घंटाल ने यह कहा माज़ल्ला के बाद ूम गैबिया तो उसमें हुजूर ही की क्या तखसीस माज़ल्ला ऐसा इम ग़ैब तो हर सभी मजनून और चौपाए जानवर पागल इतना तो सबको होता है माजल रबीआलमिन यहाँ पर ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताल इर्शाद फरमा रहा है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि वो तुम्हें ग़ैब पर मुतला फरमाए यानी ए आम लोगों तुम्हें अल्लाह तबारक व ताली ग़ैब पर मुतला नहीं फरमाता हाँ उन्हें मुला ग़ैब पर फरमाता है यानि उन्हें इल्म गैब अता फ़रमाता है जिन्हें जो जिन रसूलों को अल्लाह तबारक व ततखब फरमा लेता है चुन लेता है तो अभी इससे जो है वो रसूलान एज़ाम के इल्म का पता चला और ऐसा इल्म गैब जो आम लोगों को नहीं मिलता इससे बिल्कुल वाज हो गया तफ़ीर खाजिन में इसी आयत करीमा के तहत है कि लाकिन लाकिनल्लाफ़ी वख्तारसुल ही मैशा फ़युत अला बाइब यानी अल्लाह तबारक वाली चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है और उनको ख़बरदार करता है बाज़ ग़ैब पर बाज़ बाजिल ग़ैब पर यहाँ पर भी देखो बाज इल्मे गैब और वो जो इनके गुरु घंटाल हैं वो भी वहाँ पर भी बाज उलूम बाज़िया मुराद हैं तो उसमें क्या कहता है वो कि इसमें हुजूर की कोई तकसीस नहीं है बाज़ में ग़ैब तो सबको है माजल्ला यानी पागल को है मजरून को है चौपाए को है माजल्ला सबको है इतना तो माज़ल्ला रबीआलम हालांकि यहाँ पे ख़ुद जितनी भी तफसीर की किताबें उसमें आप देख लीजिए तो यही है कि अल्लाह तबारक ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है और उनको इल्म गैब पर ख़बरदार फरमाता है और वो जो इल्म है वो बाज़ इल्म ग ऐब है यानी अल्लाह व ताला आलिमुल गैबी व शहादा है तो अपने इल्म से अल्लाह तबारक तआला अपने महबूबान बारगाह को जो इल्म गैब अता फरमाता है तो वो अल्लाह का जो इल्म है वो कुल इल्म अता नहीं फरमाता बल्कि बाज़ ही तो अता फ़रमाएगा यानी अल्ला तबारक तआला का इल्म, तो उसकी तो कोई हद नहीं है लेकिन अपने महबूबान बारगाह को जो अल्लाह तबारक इल्म अता फरमाएगा तो वो बाज़ ही तो होगा यानी अगर हम हुजूर को आलिम माँ काना मा यकून भी कहें यानी हुजूर को माँ काना वमा यकून का इल्म है फिर भी अल्लाह तबारक व ताली के, के आगे तो बाज ही, ही है ना कुल नहीं है बल्कि बाज है ये याद रखिएगा फरमाते हैं तफसीर कबीर में इसी आयत के मातहत है कि मामा आरिफतजाली का अला सबीम मिनि फ़हुवा मिन अंबिया फरमाते हैं कि इन बातों का गैब पर मतल होने के जान लेना ये अम्बिया राम की खसूसियत है यानि ग़ैब के तरीक़े पर इन बातों का जान लेना और मतल होना तो ये अम्बिया कराम की ही खसूसियात में से है और तफ़ी जुमल में है कि अलमाना लाकिन यशत एस तफ़ी मे रसुल मैशा उफ़ै तोब फरमाते हैं कि माना ये हैं कि अल्लाह है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है चुन लेता है तो उनको ग़ैब पर मुतला फरमाता है जलालैन शरीफ में है क्या है तर्जमा यह है कि अल्लाह तबारक वाली तुमको ग़ैब पर मतल नहीं करने का यानी ए आम लोगों अल्लाह तबारक तुमको गैब पर मुतला नहीं करने का यानी अल्लाह की शान ये नहीं है कि आम लोगों तुमको गैब पर मुतला फरमाए ताकि फर्क करने से पहले मुनाफिकों को जान लो यानी पहले से ही तुम जान लो नहीं अल्लाह की शान ये नहीं है लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है छांट लेता है मुंतखब फरमा लेता है चुन लेता है तो उसको अपने ग़ैब पर मुतला फरमाता है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के हाल पर मुतला फरमा दिया मुनाफिकीन का हाल मुनकशिफ हो गया हुजूर पर कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है किसके दिल में ईमान है किसके दिल में कुफर है, हुजूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज फ़रमा दिया तो ये है यही मुराद है कि अपने रसूलों में से अल्लाह जिसे चाहता है ग़ैब पर मुतला फरमाता है रूहुल अच्छा। बयान में है फ़ैन्ना ईबल की लायन कशीफु बिलासूल क्योंकि हकीक़तों और हालात के ग़ैब नहीं जाहिर होते मगर ब़ैर रसूल रसूल अक्रम सम के वास्ते से यानी जो भी हालात के ग़ैब हैं या हकीक़तों के हक़ के जो गयुब हैं ग़ैब का माना यानी जो हमारे एहसास हमारे महसूसात से दूर हो हवा से खमसा जो हैं तो हमारे हवा से जो चीज़ जुदा हो दूर हो तो वो हमारे लिए ग़ैब है यानी जिसे हम सुनकर नहीं समझ सकते हो चक कर नहीं समझ सकते हों देख कर नहीं समझ सकते हों छू कर नहीं समझ सकते हों सुन कर नहीं समझ सकते हों जान कर नहीं समझ सकते हों तो वो हमारे लिए ग़ैब है तो ऐसे ऐसा ग़ैब तो ये हकायक और हालात के ग़ैब ये नहीं जाहिर होते बग़ैर रसूल के वास्ते से यानी रसूल के वास्ते से ही अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब बंदों को भी इम ग़ैब हता फ़रमाता है हुजूर के वास्ते से ही औलियाए के को भी इल्म गैब है तो इस आयत करीमा और इन तफासिर से मालूम हुआ कि खुदा का ख़ास ग़ैब ख़ास ग़ैब ये पैगम्बर पर जाहिर होता है और बाज मुफसरीन ने जो फरमाया कि बाज़ैब गैब तो बाज गैब तो इससे मुराद है इल्म इलाही के मुकाबले में बाज अल्लाह तबारक के इल्म के मुकाबले में बाज बाज का माना होता है थोड़ा कुछ तो ये जो बाज इल्म गैब कहा तो इल्म इलाही के मुकाबले में बाज कहा गया और कुल माकाना वमा यकून भी खुदा के इल्म का बाज है यानी माँ काना माँ यकून के पूरा इल्म इसका ये पूरा इल्म भी अगर किसी के लिए मान लिया जाए तो ये तो इलाही के मुकाबले में बाजी ही है थोड़ा ही है समझ में आई बात इल्म इलाही के मुकाबले में ये कतरे को जैसे समंदर से नस्बत है वो भी नस्बत नहीं हो सकती अल्लाह तबारक तआला के इल्म और इस इल्म के को इस तरह की भी नस्बत नहीं हो सकती है क्योंकि अल्लाह का इल्म तो उसका इल्म जाती है और अल्लाह तबारक वाली अपने महबूबों को जो इल्म अता फरमाता है तो ये इल्म उनका ज़ाती नहीं होता है बल्कि अल्लाह की अता से होता है तो ये पांचवी आयत करीमा छठी आयत करीमा अब यहाँ पर ज़िक्र हो रही है कि अल्लाह तबारक वाली इर्शाद फरमाता है ये जो बातें जिक्र हो रही है यानी गैब के सबूत में आयात करीमा की रोशनी में क्योंकि आम तौर पर जो है ख़ास तौर से हजूर अकदर सल्ला वसम गैब से मुतक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और तरह तरह की आयतें और उसका तर्जमा गलत तराजम बयान किया जाता है उसकी गलत तशरी की जाती है माना बताया जाता है और फिर लोगों को जो है वो गुमराह किया जाता है तो यहाँ पर देखिए इसीलिए लिए क़ुरान पाक की आयतें पेश की जा रही है जिसका तर्जा बिल्कुल वाजह है और जिस तर्जमे से बिल्कुल वाजह हो जाता है कि अल्लाह तबारक व अपने महबूबान बारगा अपने रसूलों को अपने नबियों को अल्लाह तबारक व ताली इल्मैब अता फ़रमाता है देखिए अल्लाह इर्शाद फरमाता है वह अम्मा का मालम तकुन तालम व का न फजल आलही और तुमको सिखा दिया ए महबूब ये हुजूर से खिताब है कि महबूब तुमको सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है वकानफ़त आल का आज़ीम जलाल शरीफ़ में है कि यहाँ पर ये जो है ना वाहमा का मालम तकन तो तालम कि तुमको वो सब सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे तो इससे क्या मुराद है तो जलाल शरीफ तफसीर की बड़ी अहम किताब है तो उसमें है आई मिनल वी यानि कौन से उलूम मुराद हैं तो फरमाते हैं यानी अहकाम और इम गैब अहकाम और गैब वमा का मालम तकुन तालम महबूब जो तुम नहीं जानते थे तो मालम तकुन तालम तुमको सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे तो कौन सी चीज नहीं जानते थे और कौन सी चीज़ अल्लाह तबारक महबूब को सिखाई तो तफसीर जलालैन में है यानी अहकाम और इम गैब और गैब सिखाया तफसर कबीर में है अनुताबल का कि अल्लाह तबारक ने आप पर कुरान उतारा और उतारी और आपको उनके भेदों पर मुतला फरमाया मुतला फरमाया और उनकी हकीकतों पर वाकफ़ फरमाया हकीक़तों पर वाक़ किया तफसर खाजिन में है इसी आयत के तहत तफ़िर खाजन में है कि जिसका तर्जमा ये है कि यानी शरीयत के अहकाम और दीन की बातें सिखाई वाला का मालम तकन तालम इसका माना क्या है यानी शरीयत के अहकाम सिखाए और दीन की बातें सिखाई और कहा गया है कि आपको इल्म गैब में से वो बातें सिखाई जो आप नहीं जानते थे और कहा गया है कि इसके माना ये है कि आपको छुपी चीज़ें सिखाएं और दिलों के राज पर मुतला फरमा और मुनाफिकीन के मकरो फरेब आपको बता दिए और तफसीर मदारक में है कि मिन उमूरी दीनी व शरा अविन खफ़ी या तिलमूरी वमाकलूब दीन और शरीत के अमूर सिखा दिए और छुपी हुई बातें दिलों के राज बता दिए किसके दिल में क्या है सब बता दिया और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के बारे में बता दिया है ना इससे पहले ये ज़िक्र हो चुका है इससे पहले वाले दरस में तफसीर हुसैनी हकायक से इसी आयत के मातहत नकल फरमाते हैं कि आम माँ काना मा यकून हस्त के हक सुबह दर शब दर शब असरा बिदा हज़रत अता फ़रमोद अख़री मतलब इसका तर्जमा ये है कि ये माँ खाना उमाय यकुन का इल्म है कि अल्लाह तबारक वाल ने शब असरा शब, शब मराज में हज़ूर अकद सल्लही वसलम को आता फरमाया यानी यहाँ पर जो आलम का मालम तकुन तालम तो फरमाते हैं कि ये अल्लमा का मालम तकुन तालम ये माँ काना उमा यकुन का इल्म यहाँ मुराद है कि अल्लाह तबारक ने शबे मराज में हुजूर को अता फरमाया चुनाचे मेराज की हदीस में है कि हम अर्श के नीचे थे कि एक कतरा हमारे हलक में डाला बस हमने सारे गुजश्ता और आइंदा के वाकयात मालूम कर लिए सब कुछ गया हो गया आया हो गया मुनकशिफ हो गया सब कुछ वाज हो गया सब मालूम हो गया जाम उलब नज़ुलजालिका मिनखफियातमूर जामिउल बयान में है कि यानी आपको वो सब बातें सिखा दी बता दी जो क़ुरान के नज़ुल से पहले आप ना जानते थे क़ुरान के नज़ूल से पहले हुजूर नहीं जानते थे वो सब बातें सिखा दी तो इस आयत और इन तफासिर से मालूम हुआ कि अलैहि सलाम को तमाम आइंदा और गुजिश्ता वाकयात की खबर दे दी गई इसलिए कि जो अरबी है ना एक अरबी ग्रामर और उसके जो वर्ड्स हैं जो एराबी और जो एराब और जो, जो हरूफ हैं तो उनके भी अलग अलग मानी होते हैं जैसे कि यहां पे है वमा का मालम तक तो अल्लमा का के बाद है मा मा अल्लमा का मा और मा यह अरबी जबान में उमूम के लिए आता है यानी जिस तरीके से इंग्लिश में जो है ना वो व्हाट आता है व्हाट है ना वो सवाल वाला व्हाट नहीं बल्कि दरमियान में जो कुछ भी तो उसके लिए व्हाट इस्तेमाल होता है वाट एवर है ना तो अब यहां पर मां ये उमूम के लिए यानी जो कुछ भी है अलमा का आपको सिखा दिया मां लम तपुन तलम जो कुछ भी आप नहीं जानते थे तो नहीं जानने में जो जो भी आप नहीं जानते थे सब सिखा दिया समझ में आई बात यानी ये उमूम है इसमें किसी की तक़सीस नहीं है कि हाँ ये सिखा दिया ये नहीं सिखाया ये सिखाया ये नहीं सिखाया बल्कि मूम है और ये उसूल है ये कायदा है कि जब भी लफ्ज़ आम ज़िक्र होता है तो वो ूम का फ़ायदा देता है यानी माँ और मन ये अमूम का फ़ायदा देता है यानी अगर इसमें किसी तरह की तख्सीस अगर नहीं की गई है तो तमाम अफराद इसमें शामिल होते हैं उसके तमाम अफराद यानी जो जो उसमें आ सकते हैं सब आ जाते हैं तो वामा का मालम तक तालम कलम माँ अरबी जबान में अमूम के लिए आता है तो आयत से ये मालूम हुआ कि शरीय के अहकाम दुनिया के सारे वाक़ लोगों के ईमानी हालात वगैरह जो कुछ भी आपके इल्म में ना था सब बता दिया इसमें यह क़ैद लगाना कि इससे मुराद जो है वो सिर्फ अहकाम है यह अपनी तरफ से क़ैद लगाना हुआ ये तो आप क़ैद लगा रहे हो हा? वहाँ तो कलम माँ आम है अमूम पर दलालत हो रही है तो फिर आप उससे अहकाम ही क्यों मुराद ले रहे हो माँ तो माँ का माना वॉट एवर जो भी कुछ तो जो क़ुरान हदीस और उम्मत के अकीदे के खिलाफ है जैसा कि आइंदा बयान होगा यानी ये क़ैद लगाना कि यहाँ पर माँ से मुराद सिर्फ़ आकाम है तो ये कुरान हदीस और, और उम्मत के अकायद के ख़िलाफ़ है इन शबारक आइंदा बयान होगा इसी तरीके से कुरान पाक में ये भी इर्शाद हुआ कि माँ फर्रतना फ़िल किताबी मिनशी हमने इस किताब में कुछ उठा ना रखा इस किताब में कुछ उठा ना रखा इन अल कुरान मुश्तमिल अला अहवाल तफसीर खाजिन में है इन अल कुरान मुश्तमिल अला जमी अहवाल यानी कुरान करीम तमाम हालात पर शामिल है कुछ भी उठा ना रखा क्या मतलब यानी कुछ उसमें से ऐसा नहीं है कि अलग कर दिया कि नहीं इसको नहीं बयान किया बल्कि हर चीज को बयान कर दिया कुछ उठा ना रखा क्या मतलब तो तफसीर खाजन में है कि कुरान करीम तमाम हालात पर शामिल है तफसीर अनवार तंजील में इसी आयत के मातः है कि इसका माना यह है किताब से मुराद लोहे महफूज है माँ फरतना फर फिल किताब किताबी मिनशी यह कुरान पाक की आयत है तो फिल किताब कुरान पाक में आया तो यहां किताब से मुराद कौन सी किताब है तो तफसीर जो तफसीर अनवार तंजील है तो उसमें फरमाते हैं कि यहाँ पे किताब से मुराद लोहे महफूज़ है क्योंकि ये लोहे महफूज़ उन तमाम बातों पर शामिल है जो आलम में होता है हर जाहिर और बारीक उसमें किसी हैवान और जमात का मामला छोड़ा नहीं गया यानी हर चीज़ का मामला हालात सब बयान हो गए तो यहाँ पर लोहे महफूज मुराद है और तफसीर आरयसल बयान में इसी आयत के मातहत है यानी इस किताब में मखलूक़ात में से किसी का जिक्र ना छोड़ा है लेकिन इस ज़िक्र को कोई नहीं देख सकता मगर वो जिनकी मार्फ़त के अनुार से तइद कर दी गई मारिफत के अनवार से अनवारे मारिफत से जिनकी तइद कर दी गई हो तो वो भी रब की अता से जान लेते हैं तो इमाम शाहरानी कुबरा में फरमाते हैं कि अगर खुदा ताला तुम्हारे दिलों के बंद कफल खोल दे जो तुम्हारे दिल जो लॉक हैं तो अगर इनको खोल दे तो तुम इन इल्मों पर मुतला हो जाओ जो क़ुरान में हैं और तुम क़ुरान के सिवा दूसरी चीज़ों से बेपरवाह हो जाओ यानी कुरान में हर चीज़ तुमको मिल जाए वो तो तुम्हारे दिल जो है ना वो अभी बंद है बंद क़िले में अगर अल्लाह तबारक बता चाहे और तुम्हारे दिलों को खोल दे तो सब कुरान में ही तुमको सब राज मिल जाएंगे सब कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको तो फरमाते हैं कि और तुम कुरान के सिवा दूसरी चीज़ों से बेपरवाह हो जाओ क्योंकि कुरान में तमाम वो चीज़ें हैं जो वजूद के सफहों में लिखी हैं यानी जो पाई जाने वाली है पाई गई है जो कुछ भी वजूद में आने आलम वजूद में जो कुछ है तो वो सब जो कुछ भी है वो सब कुरान में पाओगे रब तबार को तला फरमाता है माफरफिल किताबी मिनशी इस आयत और इन तफसीरों से मालूम हुआ कि किताब में अब किताब से मुराद चाहे कुरान ले लो और किताब से मुराद चाहे लोहे महफूज ले लो क्योंकि बाज़ मुफसरीन ने यहाँ पर किताब से मुराद लोहे महफूज लिया और बाज़ ने यहाँ पर किताब से मुराद कुरान पाक लिया तो फरमाते हैं इन तफसीरों से मालूम हुआ कि किताब में दुनिया आखिरत के सारे हालात मौजूद हैं अब किताब से मुराद या तो क़ुरआन है या लोहे महफूज और क़ुरान भी हुजूर के हु में है और लोहे महफूज भी हुजूर के Allah, जैसा कि आइंदा इन इसके बारे में भी तफसल आएगी अभी तो शुरुआत है ना इसकी भी तफसल आएगी किजूर को पूरा पूरे कुरान का भी इल्म है और लोहे महफूज का भी इल्म है तो नतीजा क्या निकला हुजूर को दोनों का इल्म है कुरान का भी इल्म है और लोहे महफूज का भी इल्म है और यहाँ पर किताब से मुराद या तो लोहे महफूज है या तो कुरान है तो नतीजा ये निकला कि तमाम दुनिया और आखिरत के हालात ये हुजूर के इल्म में भाई तमाम हालात कुरान में है या तमाम हालात जो है तमाम लूम ये लोहे महफूज में है और इन दोनों का इल्म हुजूर को है तो पता यह चला कि तमाम हालात से वाकिफ हुजूर भी है क्योंकि सारे कुरान और लोहे महफूज में हैं और कुरान और लोहे महफूज हुजूर के इल्म में तो यह है माँ फरतना फिल किताबी इसी तरीके से कुरने पात में यह भी इर्शाद हुआ वाला वला मुबीन के और नहीं है कोई तर और खुश्क जो रोशन किताब में ना लिखा हो यानी इस कुरान पाक में इस रोशन किताब में कोई तर और खुश्क ऐसा नहीं है जो ना लिखा हो क्या मतलब यानी हर चीज का बयान कुरान में इस किताब मुबीन में हर चीज का बयान है खुश्को तर में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस जिसका बयान इसमें ना हुआ हो इनशा तबारक ताली इस आयत करीमा की तफसीत इनशा आइंदा बयान करेंगे और भी चंद आयात करीमा बयान की जाएंगी जो गैब के सबूत में है और ये तो चंद आयात करीमा यहाँ बयान की जाएंगी वरना तो जो है वो सारा क़ुरान ही हुजूर की नात में सुभान तो अगर देखा जाए इश्क की निगाह से देखा जाए तो हर हर आयत में हुजूर की नात नजर आए है।, है ना हर आयत में हुजूर की नात नज़र आए यानी अगर वहाँ पर काफिरों का भी बयान है मुनाफिकों का भी बयान है तो उनका रद हो रहा है और ये रद भी एक तरीके से हुजूर की नात ही है ना भाई दुश्मने अहमद का रद्द करना हुजूर के दुश्मनों का रद्द करना यह भी तो एक तारीफ है एक नात ही है तो इसीलिए फरमाते हैं कि सारा कुरान ही नात पाक है तो यहां पर चंद आयात करीमा इल्म गैब से मुतक अभी बयान हुई इंशाल्लाह आइंदा भी बयान की जाएंगी अल्लाह तबारक हम तमाम लोगों के अक़ायद हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए मसल के हक मसल के अहल सुनत जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसल के आला हजरत कहते हैं उसी मसलक पर मजबूती से कायम रखे और उसी पर हमें मौत नसीब फ़रमाए वाख रहा रबी